खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में मिर्जापुर ताज विकलांग सेवा समिति के लोगों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर विकलांग संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। विकलांग संगठन जिलाधिकारी से मांग की है कि प्रत्येक सोमवार को जिला अस्पताल में विकलांगों के बोर्ड प्रैक्टिकल डॉक्टर के एन पांडे को तत्काल हटाया जाए। उनका आरोप है कि पूर्व में रहे बोर्ड के डॉक्टर ने जो विकलांगों का परसेंटेज 80% या 100% किया था उसे डॉक्टर के एन पांडे घटाकर 40% कर दे रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों को तत्काल हटाने की मांग की गई है। मिर्जापुर ताज विकलांग सेवा समिति के लोगों ने मांग की है कि विकलांग को जिला अस्पताल में आने जाने में काफी दिक्कत होती है, इसे अस्पताल के कैंपस के अलावा कई पॉइंट बनाया जाए। मिर्जापुर से आशीष पांडे की रिपोर्ट। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? आज हम लोगों की ये मांगे है ताज विकलांग सेवा समिति की कि जो बोर्ड मेडिकल बैठता है हर सोमवार को जिला चिकित्सालय में, तो वहाँ पे आने जाने में विकलांगों को बहुत कठिनाई होती है। और उसके साथ ही साथ एक डॉक्टर के एन पांडे है कि पूर्व में जो डॉक्टर प्रमाण पत्र जारी किया है 80% 100% का, उसको वो बताता है कि फर्जी है, उसको काट कर 40% 30% कर देता है। तो हम लोगों की आज जिलाधिकारी से ये मांग है कि के एन पांडे को तुरंत बोर्ड से हटाया जाए, अन्यथा हम लोग आज तो ज्ञापन दे रहे हैं इसी के साथ हम लोग धरने प्रदर्शन में बैठने के लिए बात होंगे। हम लोग की मांग यही है कि के एन पांडे को बोर्ड से हटाकर किसी और डॉक्टर को नियुक्त